13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजों अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैं सरदारी के लिए जिरगे में उम्मीदवार होगा। अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। अर्तुग भाई, आप तैयारी शुरू कीजिए। बाबा की अमानत को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मैं भी बाबा की अमानत को कोपैक के शैतानी इरादों पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। वो वक्त आ गया है। कल सरदारी का उम्मीदवार हूं मैं। कल होने वाले जिरगे में काई कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। बेहतर उम्मीद रखिएगा। यकीन है आपके मद्दे मुकाबिल कोई आ नहीं सकता। तुम ये ले जाके गुंदुक्तू को दे देना। उसे ये मत बताना कि ये मैंने दी है, ताकि तुम्हारी दोस्ती इसी तरह परवान चढ़ती रहे। अगर अर्तुगरुल साहब सरदार बन गए तो जरखेज चरागाहें और मुनाफा बख्श कारोबार करना मुमकिन होगा। हमें अपनी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। अंदर आ सकता हूँ सरदार? अच्छा, आ जाइए गुंदुक्तू भाई। तशरीफ रखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अर्तुगरुल बहुत जिद्दी है। उसने सरदारान को अपना हमनवा बना लिया है। लगता है वो मकसद हासिल करके रहेगा। काफी मजबूत उम्मीदवार है वो। याद है आपको जुबान दी थी कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। कबूल कीजिए। क्या ही है? कुछ सोने के सिक्के हैं बस इसमें। मवेशी फरोख्त करके मिले तो ये रकम बिल्कुल हलाल है, इसलिए आपके लिए भी हलाल ठहरी। ये मुमकिन नहीं अक्चा भाई, ये नहीं ले सकता मैं। गुंदोगदू भाई, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये सिर्फ मेरा और आपका मामला नहीं, हजारों लोगों को सैकड़ों खेमों में इसकी जरूरत है। मेरे इसरार पर रख लीजिए। आपको ये कबूल करना ही होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए रख लीजिए, खुशी होगी मुझे। हलीमा, हम कब से ऐसे हो गए? क्या हो गया है हमें? हम सब कबीले के मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं सलजान। कबीले का मुस्तकबिल? यूं ही ये सब चलता रहा तो हम सब तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? सलजान, हम अलग नहीं होना चाहते। कबीले को छोड़कर इस तरह जाना अर्तुगरुल और मेरे लिए खुशी का बायस नहीं, लेकिन हमारे लिए शायद यही बेहतर है। गुंदुक्तू भाई ने अर्तुगरुल की हर बात को रद्द किया। ऐसी बातें मत करो हलीमा सुल्तान। हम दोनों चाहें तो कबीले को मुस्तहकम कर सकते हैं। अर्तुगरुल से कहो कि गुंदुक्तू के पास जाएं, उनका हाथ छुएं, माफी मांगे और मुत्तहिद हो जाएं। हम दोनों इस खुशी का वसीला बनते। उन दोनों का इत्तेहाद पूरे कबीले का इत्तेहाद है। सलजान, ये क्या कह रही हैं आप? अर्तुगरुल आखिर उनसे क्यों माफी मांगेंगे? जितना हक गुंदुक्तू भाई का है सरदार बनने का, अर्तुगरुल का भी उतना ही हक है सरदारी पर। इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत आप लोग समझ रहे हैं हम लोगों को। खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे चलना चाहिए सलजान। अर्तुरुल सिपाहियों से माले गनीमत के वादे कर रहा है, करता रहे वादे, लेकिन मैं अपने वादे पूरे भी करता हूं। ये तमाम सिक्के बराबर तकसीम कर दें सिपाहियों में। अर्तुरुल को भले सिपाहियों की हिमायत हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी हुक्म सिर्फ अल्फाज से नाफिज नहीं किया जा सकता। सिपाहियों को कायल करने के लिए कुछ नहीं था आपके पास बकौल आपके। लेकिन खाली हाथ नहीं रहे अब आप। ये बाकी सिक्के आप कारवान की तैयारी में सर्व कर सकते हैं हालकर भाई। शुक्रिया भाई। आपका भी शुक्रिया। कल जिरगे में आपका साथ चाहिए होगा मुझे। बेफिक्र हो जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुंडोगदू भाई ने तुम लोगों के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। क्या है सोने के सिक्के? मगर सोने के सिक्के हमारे किस काम के? चलो रख लेते हैं, अरे बहुत काम आएंगे। अरे तुम भी ले लो। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और दोनों भाई ने तो हमें कभी भी सोने की सिक्के नहीं दिए। शुक्रिया हो। गुंडोगदू भाई को हमारा कितना ख्याल है। गुंडोगदू सब तो बहुत अच्छे आदमी है। काई कबीले का मुस्तकबिल तुम लोगों पर मुनासिर है। तलवार थामे तुम्हारे मजबूत हाथों में है। यह याद रखना कि काई कबीले का मुस्तकबिल फरसूदा ख्यालात से नहीं बल्कि जज्बा शहादत से सरशार मौत को गले लगाकर फातेह बनने वाले तुम जैसे बहादुर सिपाहियों से रोशन होगा। हमारा माजी इस तरह की मिसालों से रोशन है जब कौम का मुस्तकबिल बदल डाला नौजवानों ने। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि इस सफर में तुम मेरे साथ हम रकाब बनोगे? भाई कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं मैं। कहो, सुन रहा हूं मैं। वो गुंडोगदू भाई, क्या हुआ उन्हें? बताओ, खामोश क्यों? गुंडोगदू भाई ने सिपाहियों को सोने के सिक्के दिए हैं ताकि वो उनको मुंतखब करें। समझ में नहीं आता कि कबीले का सत्ता कौन बनेगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो अल्लाह अपना रहम करे। या मेरे रब, बेहतरीन फैसला फरमाना, हमारे सरदार के लिए, हमारे कबीले के लिए अपनी मदद शामिल हाल रखना या रब्बुल आलमीन। आमीन। हमारे भाई की मदद फरमा, इस जंग में भी जो तेरी मखलूक की खातिर लड़ रहे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा या रब्बुल आलमीन। आमीन 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 आमीन। हजरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल बेटा कहाँ है? अर्तुरुल भाई चिरके में है। काई कबीला आज अपना नया सरदार मुंतखब करेगा। अर्तुरुल भाई भी सरदार के लिए उम्मीदवार है। अल्लाह उसे कामयाबियों का अमरानी नसीब करे। आमीन आमीन। तो फिर जिरगा खत्म होने का इंतजार करते हैं। अर्तुरुल से मुलाकात करनी है मुझे। जी बेहतर, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारा खालिक है उसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया है। उसी के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जिरगे का। मोअज़्ज़ीन, ये जिरगा सुलेमान शाह की वफात के बाद नए सरदार के इंतखाब के लिए पहली बार बुलाया गया है। काई कबीले के नए सरदार के लिए गुंदोगदू साहब और अर्तुरुल साहब उम्मीदवार हैं। ये इंतखाब खुशाइंद हो। आमीन आमीन आमीन। खैरियत तो है दुंदा? ये किस तरह जिरगे में दाखिल हो गए तुम? मैं इस जिरगे में बहैसियत सरदार अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुंदोगदू साहब, तो अब यहाँ भी खेल खेले जाएंगे। आपको ये सब मुनासिब लगता है हायमा खानम? दुंदार साहब भी दूसरे मोअज़्ज़ीन की तरह अपनी राय देने का हक रखते हैं। अगर ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। शुक्रिया हायमा खानम। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, गुंदोगदू साहब आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहूंगा। मोहतरम मोअज़्ज़ीन और अजीज सरदारान, सुलेमान शाह की रहलत के बाद हमारा इस सरजमीन की तरफ हिजरत करने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें सुकून की तलाश थी और सल्तनत की मदद से हम फलना फूलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। हमारे लिए हर रोज एक नई मुसीबत मुंतजिर होती है। हम सुकून को तरस कर रह गए हैं। अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बरसरे पैकार होने लगे थे। मेरे सरदार बन जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा कबीला अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। जरूर हिजरत करेंगे हम, लेकिन इसके लिए पहले बाहमी मुशावरत की जाएगी। कर सकते और रियासत के ताउन से अपना कबीला हम मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। ये बात समझ में आ, बात तो बहुत ही माकूल है। ऐसा ही होना चाहिए। अर्तुगरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस झिरके में? मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, इतनी सख्तियां सहकर, इतने गम उठाकर ओस की आबाई सरजमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाई, या फिर जहनी सुकून के लिए? बात तो ये भी मामूल कर रहे हैं, इनकी बात भी समझ में आ रही है। जब तक हमारे लोगों को अमन और सुकून और राहत और आराम नसीब ना हो, तब तक जो मयस्सर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? काई कबीले के दानिशमंद सरदारा अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकेंगे। काई कबीले को वहां पहुंचाएंगे जहां उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन सुकून हासिल हो सकता है। हम जरखेज जमीन, मवेशियों के लिए चरागाहें और बाजार जहां हमारी मसनूआत मुनाफे के साथ फरोख्त हो, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सब हासिल हो सकता है जब हमारे ख्वाबों में अलहदा सरजमीन हो। अगर सरदार मुंतखब हुआ मैं तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, आला अक़दार और रिवायात का पास रखना हमारा शियार होगा। अर्तुगरुल सरदार बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। रिस्क की फिक्र नहीं होगी हमें, और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर। हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही हमें मालूम ना हो। हक की खातिर, राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, यही कहना था मुझे। भाई हमें तो अपने अर्तुगरुल पर पूरा भरोसा है। जो भी होगा बेहतर होगा। मालूम होता है कि अर्तुगरुल साहब के लिए सानवी हैसियत रखता है अमन सुकून। ये ख्वाबों से बेदार नहीं हुए अभी तक। मैं अर्तुगरुल साहब की इन बेसरोपा बातों की बुनियाद पर अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ और नहीं कहना मुझे इसके अलावा। जिसके ख्वाब न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता गुंदोगदू भाई। हमारा वाहिद मकसद काई कबीले को उस मकाम तक पहुंचाना है जो उसका हक है, ना कि उसे गुलामी की जंजीर पहनाना। मेरी बात यहां तमाम हुई। अब जबकि दोनों उम्मीदवार अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके, हम इंतखाब का आगाज करते हैं। गुंदोगदू साहब और अर्तुगरुल साहब दोनों मेरे फर्जंद हैं, लिहाजा मैं अपना हक इस्तेमाल नहीं करूंगी। गुंदोगदू साहब को जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, हाथ बुलंद करें वो लोग। गुंदोगदू भाई, गुंदोगदू भाई, गुंदोगदू भाई, गुंदोगदू भाई, हाँ बिल्कुल गुंदोगदू। और अब वो लोग हाथ बुलंद करें अपना, जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं अर्तुरुल को। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने के लिए 10 लोगों ने गुंदोगदू साहब के लिए और 6 लोगों ने अर्तुरुल साहब के लिए हाथ बुलंद किया। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगदू साहब हैं। अल्लाह इस सरदारी को मुबारक करे। आमीन। ये सरदार आदिल रहे हमेशा। आमीन। आमीन। इसके इरादे पाक हो रियाकारी से। आमीन। ये सरदार हक की राह पे चले हमेशा। आमीन। अल्लाह इसका मददगार हो। आमीन। ये सरदार अपने कबीले के लोगों का कुर्ब हासिल कर सके। आमीन। अल्लाह हमारे कबीले के लिए और हमारे लोगों के लिए इस सरदारी को मुबारक साबित करे। आमीन। कबीले के मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम सरदारान, आप लोगों ने अपने फैसले से अपनी दानिशमंदी और बसीरत को साबित कर दिया है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मेरा औताक सुलेमान शाह के दौरे सरदारी की तरह आप सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। आज से खुशियां आप सबकी और परेशानियां मेरी, आपके गम मेरे गम, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। मैं हमेशा आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और ये बात भी मालूम होनी चाहिए आप सबको कि जो भी कोई कबीले को गुमराह करने की या तकसीम करने की कोशिश करेगा तो उसे कबीले की बका का दुश्मन समझा जाएगा। अल्लाह हमारा इत्तेहाद और हमारी ताकत हमेशा कायम रखे। आमीन। बहुत मुबारक हो भाई। ये बात याद रहे, सरदारी हासिल करने के लिए उस दुश्मन से हाथ मिला लेना जिससे हमेशा हम नंबरदाज मारे, इसी रविश ने नुकसान पहुंचाया है हमारे कबीले को। सरदारी के लिए गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीका मुंतखब करके कबीले की बागडोर खुद दुश्मन के हाथों में सौंप दी है आपने। इंशाअल्लाह आपकी फिरासत मुस्तकबिल में भी आपकी रहनुमाई करेगी। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार आप सबको मुबारक हो। जो लोग भरोसा रखते हैं मुझ पर, उन्हें अपने साथ यहां से ले जाने की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे गुंदोगदू सरदार। अपने ही कबीले में तो तुम सरदार बन ना पाए अर्तुरुल, कहां जाओगे तुम? उल्टा मासूम लोगों के लिए पैगाम आजल बन जाओगे। मैं पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए एक नई रियासत की बुनियाद रखूंगा। तुम सब गवाह रहना। मुबारक हो सरदार। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखिब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखिब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखिब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखिब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखिब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखिब हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। कल हम सफर इख्तियार करेंगे अपने हमनवा लोगों के साथ। सबको खबर कर दो रवानगी का वक्त आ गया है। दिल छोटा मत करना, हिम्मत रखना। अजीम फतूहात छोटी छोटी नाकामियों से वजूद में आती हैं। वक्ती शिकस्त आने वाली फतह की नवीद लेकर आती है। इस राह पर शिकस्त खोरता ही असल फातह होता है। रब का फरमान है कि तुम्हारी हयात तुम्हारी मंशा के ताबे है। वही जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। चलो चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। न जाने कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था मैं, और अब समझ नहीं आ रहा कि खुश हूं या अफसुर्दा। जिनके साथ मिलकर जंगे लड़ी, जिन लोगों के साथ पले बढ़े, एक साथ मिलकर जिंदगी के सुनहरे ख्वाब देखे, उनसे बिछड़ना मुकद्दर में लिखा था मेरे भाई। मेरा दिल तो बुरी तरह उदास है, लेकिन हर किसी को उसका मुकद्दर जीना पड़ता है। मुकद्दर का लिखा होकर रहता है। मारे मुझे, मारे ताकि आपको याद आ जाए कि आप कौन है। सुलेमान शाह की औलाद को याद आ जाए कि वो कहां से आया है और उसकी असलियत क्या है। भाई याद आ गया, भाई सब याद आ गया। याद आ गया जो मैं भूल गया था। बाबा को बेवकूफ बनाकर हमें इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। मुझे मेरी औकात न भूलने देना। मुझे सुलेमान शाह के रास्ते पर हमेशा कायम रखना, शर से महफूज रखना हमारे कबीले को। दमीर बाबा, मैं आप दोनों से किया गया वादा जरूर पूरा करूंगा, इनसे इंतकाम जरूर लूंगा। मेरे कबीले की, अर्तुरुल भाई की खुशियां और सुकून छीनने वाले इस भेड़िए को मैं मार डालूंगा। मैंने जुल्म ढाने वाले, खून बहाने वाले, हमारे लोगों को बेदर्दी से शहीद करने वाले नौयान को खत्म कर डाला। मंगोल जब यहाँ पहुंचेंगे तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, और इसीलिए तुम्हारा हिजरत करना नागुज़ीर है ताकि मुसलमानों के लिए एक महफूज जगह मुहैया कर सको। नई जमीनों में अजीम मकासिद की तकमील होती है, जैसा कि दौरे अव्वल के मुसलमानों के साथ हुआ था। मक्का के मुशरकीन मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया करते थे। मुशरकीन ने अपने जुल्म सितम से मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया था, हर तरह की पाबंदी लगा दी थी उन पर। मुशरकीन हिकारत का निशाना बनाते थे उन्हें। उन चंद मुसलमानों के लिए हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुसलमान हजरत के पास आए और उनसे शिकायत की। पैगंबर ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, यसरब यानी मदीने की जानिब हिजरत कर जाओ। मुसलमानों ने हिदायत के मुताबिक मदीने की जानिब हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुशरकीन ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी। मुसलमानों को हिजरत से रोकने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। अपना घर, मालो असबाब, माँ बाप, बहन भाई, अपने बीवी बच्चे, गर्जिये के हर शय को छोड़कर उन्होंने हिजरत इख्तियार की। इस मुबारक सफर की मंजिल मदीना थी, और मदीने में उन्होंने इस्लामी रियासत कायम की। उन्होंने अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। इस्लामी रियासत की सरहदें देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गईं। उनकी इस हिजरत के नतीजे में इंसानियत गुलामी से आज़ाद हो गई। तुम्हारे लिए भी हिजरत करना ज़रूरी है फर्जंद। हिजरत उस वक्त की जाती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। याद रखना, यह सफर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। आदम की सारी औलाद इस दुनिया में मुहाजिर है। तुम्हारी हिजरत को इंसानियत की निजात का बायस होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को हमेशा इस मकसद के लिए मुत्तहिद और फ़ाल रखें। हमारे दिलों को हिजरत के मकसद से उजागर रखें। कल मैं इंशाअल्लाह हालत के लिए रवाना हो जाऊंगा और मुनासिब पुरसुकून जगह तलाश करूंगा। इस दौरान आप लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए, किसी भी शय की कमी ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म। इजाजत है मैं भाई? बिल्कुल इजाजत है। भाई अर्तुगरुल का क्या होगा? वालिदा, आपका दर्द समझता हूं मैं, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार किया है अर्तुगरुल ने। आज शब औताक में दावत का एहतमाम करूंगा मैं। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल को भी मदऊ करूंगा। आप परेशान ना हो। इस कबीले के सरदार की हैसियत से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे किसी तरह समझा सकूं। वो नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। बहुत सिद्धि है वो। जरूर आएगा, क्योंकि वक्त आ गया है जुदा होने का। अपनी माँ के और भाइयों के साथ आखिरी बार खाना तनावल करने जरूर आएगा। और मैं शायद अपनी औलाद को, अपनी बहुओं को, पोते को आखिरी बार दस्तरखान पे एक साथ देखूंगी। कहाँ रह गए थे अर्तुगरुल? मैं परेशान हो गई थी। तुमने पूछा था सरदारी न मिली तो क्या होगा। मैं हार गया, लेकिन मेरी ये शिकस्त मेरी आने वाली बेशुमार फुतुहात का आगाज होगी इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुतमईन हूं। दिल और ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। बिल्कुल सही कहा अर्तुगरुल। हमारे इस मुबारक सफर में सरदारी मुआविन हो सकती थी, और क्या हम सरदारी की वजह से छोड़ देते ये अजीम मकसद? क्या हुआ अगर आप मुंतखब नहीं हुए तो? बहुत से लोग हैं जो अभी भी सब कुछ छोड़ के आपके साथ जाने को तैयार हैं। तुम्हें याद है हमने तय किया था कि अकेले ही हिजरत कर लेंगे। अपने सिपाहियों की आंखों में रोशनी देखी है मैंने, बच्चों के लिए उम्मीद देखी है चेहरों पर। जानता हूं मैं, हम अकेले नहीं जाएंगे। फौरन तैयारी शुरू कर दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल अपने लोगों के साथ जो हम पर यकीन और एतमाद रखते हैं सफर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। हमें अपने ख्वाबों को ताबीर देना होगी। इस जगह को हम सर उठाकर खैरबाद कहेंगे। अल्लाह हम सब पर आपका साया सलामत रखे अर्तुगरुल। आप बेसहारा लोगों के लिए नई उम्मीद है, ताबीर है उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की। उन लोगों को गफलत से जगाया है आपने। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो हलीमा सुल्तान। अख्तरुल साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। गुंदोगदू भाई ने सबको खाने पर मदू किया है, हमें भी वहां जाना चाहिए। उस खाने में अब कोई जायका बाकी नहीं रहा। अख्तरुल, वालिदा भी वहां हमारी मुंतजर होंगी। हो सकता है वो आखिरी बार अपनी औलाद को और अपने पोते को देखना चाहती हूँ। उन्हें मायूस मत कीजिए और दूसरों की वजह से उनका दिल मत तोड़िए। किस्सा तमाम कर देना तुरु। जो भी उसका साथ दे मार डालना उसे, उसकी बीवी, उसके बेटे, हत्ता के उसके घोड़ों को भी नहीं छोड़ना। मुआज़िज़ीन को सोने में तोलकर उन्हें रिश्वत देकर आपने साबित किया कि आप भी दुश्मन हैं। अर्तुरुल।